उसको ये बताया गया है ना कि हार मत मुझसे कमजोर हो, अगर जिंदगी में अगर किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करना हो ना तो एजुकेशन को प्रायोरिटी देना, रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो एजुकेशन है दोस्तों। एजुकेशन में अगर इन्वेस्ट करते हैं आपको रोटी भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा और मकान भी मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल द यूनिक थॉट। दोस्तों आज हम लोग बिहार की धरती मुजफ्फरपुर जिले में आए हैं और आज हम लोग एक कोचिंग सेंटर में आए हैं जिन कोचिंग सेंटर का नाम है द रूट्स। आप देख सकते हैं ये पिछले 7 वर्षों से ये कोचिंग सेंटर जेईई मेंस और IIT या मेडिकल की तैयारी करवाते हैं और चलिए दोस्तों ये बहुत अच्छी एडुकेशन के मामले में काम कर रही है। चलिए आज आपको एडुकेशनलिस्ट से मिलाता हूँ जो सर पिछले 7 साल से इस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर भी है और सर अपने स्टूडेंट को अच्छे गाइडेंस भी देते हैं कि आगे लाइफ में कैसे बढ़ पाए और देश को भी तरक्की कैसे करवा पाए। तो आज सर से हम लोग जानेंगे कि सर अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाते हैं, उनके बच्चे आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। तो सर वेलकम टू माय YouTube चैनल द यूनिक थॉट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू सर, और आप मुजफ्फरपुर आए मुझे अच्छा लगा, मुजफ्फरपुर की धरती पर आपका स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पिछले 7 साल से JEE और NTSC क्लास 9 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी जो बच्चे हैं जो गरीब तबके के बच्चे हैं, स्लम्स एरिया के बच्चे हैं, उनको भी मैं काफ़ी दिनों तक पढ़ाया हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो काफी अच्छा अनुभव आता है कि लोगों को हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। सर ये आपने बहुत अच्छा कोर्स लिखा है, एंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑलवेज पेज द हाईएस्ट रिटर्न। सर ये आपको कहां से आया था? नहीं, जैसे कि हम लोगों का जो एक होता है ना कि सब यंग की सर बात करते हैं, yes, जो एक्सपायरिंग माइंड होता है, ये जो लोग देखिए ऑलरेडी डेवलप है जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, ओके सर, उसकी तो एक अलग बात है, उसकी एक अलग जोन है। okay. लेकिन हम लोग यहाँ जो बोल सकते हैं आप मिडिल क्लास में बोल सकते हैं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, हाँ लोअर क्लास जो है वो लोग में एक टेंडेंसी देखा गया है जिसमें मैं देखता हूँ कि वो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। okay. और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होता है इसी से आपका लाइफ बनता है, वे किसी और चीज में इन्वेस्ट करते हैं जिस पर एजुकेशन में नहीं करना चाहते। अब बहुत तरह के एजुकेशन होते हैं, कुछ एजुकेशन है जो हमको एक सोशल रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में देता है, जिससे हमारी मॉरलिटी बनती है। एक एजुकेशन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक जो हमारा प्रोफेशनल कैरियर है वो शुरू होता है। तो एजुकेशन पे हमेशा इन्वेस्टमेंट इंसान को करना चाहिए, अगर जिंदगी में अगर किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना हो ना एजुकेशन को प्रायोरिटी देना चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एजुकेशन है दोस्तों। तो एजुकेशन में अगर इन्वेस्ट करते हैं आपको रोटी भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा और मकान भी मिलेगा। ये चीज़ है सर, तो यही से सोचा है कि इस तरह की चीज़ें डालनी चाहिए ताकि लोग इंस्पायर्ड हो ये पढ़ के। परफेक्ट, बिल्कुल। और ये जो है बहुत बड़े जो आपको साइंटिस्ट आप हो सकते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका भी ये कहना था कि एक फिजिक्स के एक ये ज्ञानी होते हुए उन्होंने इस बात पर ये कोट किया था। मैं डियर फ्रेंड्स या जो हमारे व्यूवर जो देख रहे हैं, मैं थोड़ा सर का इंट्रोडक्शन भी देना चाहता हूँ कि सर का नाम सत्येंद्र सर है और सर क्या है कि अन अकेडमी पर सर पढ़ाते भी हैं, सर का वहाँ पर 150 से ज़्यादा यूट्यूब पर लेक्चर्स भी है। यदि आपको देखना है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सर चलिए मैं थोड़ा घूम कर बात करते अच्छा लगेगा। सर मेरा अगला सवाल यह है आपसे कि सर आज की जो यंग जनरेशन है या ये जो आज की जो यंग माइंड्स है उन्हें ये पाया गया कि सर कम समय में सक्सेस पाना चाहते हैं और उससे ज्यादा कहने की सबको ये रहता है, आपका थिंकिंग पावर ये रहता है कि पैसा जल्दी कैसे कमाए। तो सर इसको आप कुछ बताइए क्योंकि आप ये स्टूडेंट्स के साथ क्लोजली आप काम करते हैं, स्टूडेंट्स से रहते हैं तो आप स्टूडेंट्स के माइंड को अच्छा रीड कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स सुनकर अपने लाइफ को और भी सुधार सके। पहली चीज तो ये है ना, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे सर आप भी है कि पहली चीज ये कि देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ओके, अगर आप ज्यादा टैलेंटेड हैं, अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं, एक दिन में अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो आप 1 साल में सक्सेस पा सकते हैं। अगर किसी कोई कोर्स है जिसको सक्सेस पाने के लिए आपको 1000 घंटे चाहिए, आप उसको पर डे बांटिए, जो लड़के पर डे ज्यादा पढ़े थे ना उसको 6 महीने में ही मिल गया सक्सेस, लेकिन वर्क आपको उतना करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि सक्सेस जो होती है ना सर वो एक नजरिया की एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है कि आप सक्सेस किसे मानते हैं। सक्सेस आप किसे मानते हैं, पैसा कमाना ही अगर आपका सक्सेस है तो फिर आप कुछ भी अमेरिकन कर सकते हैं, ज्यादा पैसा आएगा, मिनटों घंटों में ज्यादा पैसा आ जाएगा।
लेकिन आप पैसा के साथ साथ आपको एक सोशल रिस्पेक्ट, एक शांति जिसको बोलते हैं, पीस बोलते हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें अगर आपको चाहिए उसमें समय लगेगा और एक्सपीरियंस का है इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। जितनी सारी आप बुक्स पढ़ेंगे सर, जितने आप फील्ड में काम करेंगे उतनी आपकी एक्सपीरियंस होगी और सक्सेस जो है ना वो उसी से आती है, आपके डिसीजन से आती है और डिसीजन आती है आपके एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस आप या तो करके लीजिए या फिर बुक पढ़ के लीजिए। तो यही सब है सर कि सक्सेस का कोई सर्कस होता नहीं है। आप जिस चीज की तैयारी के लिए जो सक्सेस आप पाना चाहते हैं जितनी उसके लिए मेहनत करनी चाहिए उतना आपको करना ही पड़ेगा, बाकी उसका और कोई तरीका है नहीं सर। सर आपने बहुत अच्छी बात की कि सक्सेस की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। तो मतलब आईडी आपको सक्सेस पाने तो मतलब आपको लगन, प्रयास, डेडिकेशन, उसको सेट करके उस पर काम करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, कंटीन्यूअसली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं अगर आप जल्दी जाते हैं तो ज्यादा मेहनत कीजिए। सही बात, जल्दी जाते हैं ज्यादा मेहनत कीजिए, बाकी मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत आपको करना ही पड़ेगा सर, गिरना संभलना ये सब तो आपको लगा रहेगा। तो अच्छा सर, दूसरी क्या है कि हमारी टीम जब वर्क कर रही थी तो हमारी टीम ने ये देखा गया, मतलब केस स्टडी कर रहे थे वहाँ पर देखा गया कि आज के बच्चों में क्या है ना कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए किसी भी तरीके से। तो कोई भी चीज़ करने के लिए सबसे प्रायोरिटी है, जैसे सपोज सर मुझे ही, मैं भी यंग जनरेशन, तो हमारी टीम भी यंग जनरेशन है, असर तो उनको यदि शॉर्टकट ट्रिक से पैसा कमाना है तो सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, तो इसको इलैबोरेशन करेंगे सर, एडुकेशन से जोड़ कर सर। तो देखिए सबसे पैसा जो कमाना है ऑनलाइन में सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज आप एक्सिक्यूट कैसे करते हैं, आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो सर नॉलेज आएगा कहाँ से सर? नॉलेज आएगा आप किताबें पढ़ने से आएगी, जो आपके एक्सपर्ट्स है उसके सुनने से आएंगे नॉलेज। तो आपका जो सर्किल होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, वैसे सर्किल में आपको जाना पड़ेगा। तो नॉलेज तो इससे आता है, आप बुक पढ़िए, आज ऑनलाइन एजुकेशन की, ऑनलाइन मार्केटिंग की बहुत सारी किताबें हैं, आप एक्सपर्ट की सुनिए, आप यूट्यूब है, जितने सारे सोशल मीडिया वहाँ पे एक्सपर्ट्स है, और सुनने के बाद आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, एक्सीक्यूशन करना होगा आपका। ऐसा नहीं कि जैसे आप एक चीज आप है, आप जानते होंगे सर, देखिए इकोनॉमिस्ट है, किताब तो लिखते हैं, लेकिन उस इकोनॉमी की बुक को पढ़ के पैसा तो और कमाना है। जिन्होंने एक्सीक्यूशन किया उन्होंने ही कमाया। किताब भले ही इकोनॉमिस्ट ने लिखा, थ्योरी उन्होंने लिया, लेकिन एक्सीक्यूशन करना होगा आपको। उसी के थ्योरी का इस्तेमाल करके आज बड़े बड़े लोग बड़ी पैसा कमाते हैं। सही बात है, उनके पास कम पैसे हैं जो राइटर है। तो एक्सीक्यूशन इम्पोर्टेंट है, नॉलेज देने के बाद आप एक्सीक्यूट कीजिए, ये सर ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सीक्यूशन। और थोड़ा सा नॉलेज देने के बाद अगर एक्सीक्यूट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, उसको आपको फेस करना ही होगा। इसलिए क्या होगा छलकर जाए, मतलब आधा ज्ञान टू डेंजरस हो गया। इसमें है ना कि अगर आपका मोटिव सही है, अच्छा गोल सही है, अगर आपका गोल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है गिरने में, संभालने में, जितने बार गिरेंगे उतने बार संभलेंगे। बस आपका ये मोटिव और गोल सही होना चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये सही है, वो सारा काम आप कर सकते हैं। और इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप पूरे बने रहेंगे लास्ट में, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो का क्वेश्चन मैं सर से पूछने जा रहा हूँ। सर जैसे कि मैं भी यंग मैन हूँ, बेसिकली ये बिहार के जो बच्चे हैं और जो मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं, इन बच्चों में देखा गया ना कि क्लास 12 पास करके ना उनको आगे पता नहीं था क्या करना है लाइफ में, या उनको आगे क्या करियर का पता नहीं होता है, बहुत से होते हैं या बहुत से बच्चे को पता नहीं होता होगा। बाकी अधिकतर देखा गया है, मुझे तो लगता है कि 70-80% को बच्चे को पता ही रहता है कि आफ्टर क्लास 12 करना क्या है। तो सर उनके पीछे क्या टीचर्स लोग की कुछ गलती है या कुछ बच्चों की भी गलती है, या उस बच्चे को कैसे आप लोग गाइड कर सकते हैं, इसका कुछ तरीका सर? देखिए इसमें ये गलती जहाँ तक बात है तो ये सोसाइटी की गलती है, सोसाइटी में टीचर भी आते हैं, सोसाइटी में उनके पेरेंट्स भी आते हैं, सोसाइटी में आते हैं, और एटलीस्ट एजुकेशन की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, ये सबसे ज्यादा गलती है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ शिक्षक की ज्यादा गलती, शिक्षक और कहीं ना कहीं पेरेंट्स में शिक्षक होते हैं। देखिए हमारा जो बिहार है उसमें कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर अधिकतर जो पेरेंट्स है वो खेती के कारणों में लगे हुए हैं, तो उनका एक विश्वास होता है, अटूट विश्वास होता है अपने शिक्षक पर कि ये फाना के पास हम दे दिए हैं, ये मेरे बच्चा को बेहतर गाइड करेंगे, लाइफ उज्जवल बनाएंगे। ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, लोग अभी इस तरह की चीजें चल रही है और जो मेन चीज होता है उसको छुपा लिया जाता है, इस डर से इन्फेक्शन आ जाता है। सही बात, अगर हम आज बच्चे को जेई का सपना दिखाते हैं, नीट का दिखाते हैं,
मेरा ये मानना है ना सर कि कोई भी बच्चा जो है ना ही पूरा कंप्लीट होता है और ना ही कोई बच्चा ऐसा होता है जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मेहनत किया जाए तो जेईई भी कोई भी क्वालिफाई कर सकता है और नीट भी कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। अगर हम बच्चों को जेईई का सपना दिखाते हैं, उनको हम कोर्स डायग्राम बताते हैं, इसमें नो डाउट को ज्यादा मेहनत करना होगा क्योंकि अगर हम उसे क्षमा चाहेंगे कि अगर आप लोगों को किसी को इस तरह की बातें जो है लगती है, बट मैंने कई ऐसे टीचर को फेस किया है जो देखिए बिहार बोर्ड है ना हिंदी मीडियम से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं सर, मैं इनफैक्ट ये बताता हूँ, और कई ऐसे टीचर्स है, कई या 90% ऐसे टीचर्स है जिनके पास आप जाएंगे सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चा गया yes. वो बोलेंगे कि सर मुझे मैं 10th पास कर गया, मुझे 11th पढ़ना है बोर्ड से, तो इस बोर्ड से है बिहार बोर्ड से, अच्छा अब बिहार बोर्ड से है तो आप कमजोर होइएगा। हाँ सर बच्चे बोलते हैं चारों तरफ से उसको ये बताया गया है ना कि बिहार बोर्ड कुछ कमजोर माइंड सेट कर दिया गया, मन के हारे हार है मन के जीते जी, सही बात। मैं भी सर बिहार बोर्ड से था और मैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे मेरा घर होते हुए मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से दूर 170 किलोमीटर दूर इससे कम डेवलप्ड है वहां पे, मैंने बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया और पटना जाके मैंने पढ़ाई किया, मेरे बैच में 1000 बच्चे रहते थे और वहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पढ़ने में इंग्लिश में, मुझे इसलिए क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि तुम बिहार बोर्ड से, सिर्फ कॉन्फिडेंस अच्छा किसी ने बताया ही नहीं कि तुम बिहार बोर्ड से और तुम नहीं कर सकते, ये किसी ने मुझे नहीं बताया। यहाँ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, यहाँ के बच्चों को ये बता दिया था चारों से डर में जो फेल्योर इंसान है एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में अच्छा बिहार बोर्ड से हो तो इंग्लिश कमजोर होगा, बिहार बोर्ड से हो तो कुछ नहीं कर सकते हो, बिहार बोर्ड से हो तेरा क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, डर डर के पढ़ो, ऐसे बना दिया गया ना कि जो बच्चे आते हैं उनको जो मेरे पास आ जाते हैं उनको 3 महीना हमको लगता है इस चीज को दूर करना, इसका माइंडसेट को खत्म कर दिया, तुम कुछ कर सकते हो लेकिन सोसाइटी इतने वहां जाए करे अच्छा सब तुम लोग समझ में कम आता हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर कि मन के हारे हार जाए और मन के जीते जी। निगेटिविटी कभी दिमाग में किसी के दिमाग में नहीं आनी चाहिए, हम करें कुछ भी कर सकते हैं, अगर संघर्ष करें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, खुद पे विश्वास होना चाहिए बच्चों को, मेहनत करेंगे तो टॉपर है उसको हम हरा सकते हैं लगातार प्रैक्टिस करने से, तो यही सारी चीज है। तो जो दर्शक देख रहे हैं यहाँ पर जितने सारे देख रहे हैं हम उसे ये कहेंगे कि आप फैक्ट को पहचानिए, अपने मनोबल को जो है ना वो नीचे मत कीजिए, मन को कभी और ये बोलते हैं सभी मन के हारे हार मन के जीते जी, आपको मन को कभी मत हारने दीजिए नहीं तो दुनिया का कोई ताकत आपको जिता नहीं सकता। दोस्तों सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई, आपको सर का ये वीडियो अच्छा लगे या हम लोग का वीडियो अच्छा लगे जो सर ने अच्छी अच्छी बातें की है, यदि आप सर यदि मुजफ्फरपुर के कोई भी स्टूडेंट देख रहे हैं सर से मिलना चाहते हैं तो उनका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सर का कोचिंग सेंटर है के नाम से तरुस के नाम से चलते हैं, आप देख सकते हैं। जय हिंद जय भारत। नमस्कार।